हाउ आर यू ऑल, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। ओके, सो आपकी बुक से अब हम हैं चैप्टर नंबर 10 पर, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सो आज हम बच्चों सीखने वाले हैं एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स। ओके, सो कौन कौन से काइंड्स हम यहाँ सीखने वाले हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट? सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव बच्चों वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है, राइट? नाउन की क्वालिटीज़ क्या है, नाउन की डिसक्वालिटीज़ क्या है, नाउन किस तरीके का है। तो नाउन के बारे में जो वर्ड्स हमें डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। दे टेल अस मोर, हमें बहुत और ज़्यादा बताते हैं अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट? सो ये हमें बताते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में, राइट? सो एग्जाम्पल इज हेयर, जॉन इज अ वेरी काइंड पर्सन। जॉन कैसा पर्सन है? बहुत काइंड, दयालु पर्सन है। सो इस तरह से आपको पता चला कि जो वर्ड काइंड है वो हमें ये बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय जॉन इज, जॉन कैसा लड़का है या जॉन कैसा पर्सन है। सो ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, नाउन क्या है? बॉय जॉन, राइट? सो एडजेक्टिव नाउन्स के बारे में ही हमें बहुत ज़्यादा बताते हैं, नाउन्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज देते हैं कि नाउन कैसा है, राइट? द वर्ड रेड टेल्स अस, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, वी रोड अ रेड बस इन लंडन। सो रेड हमें क्या बता रहा है? बस का कलर। ओके, सो ये बस को डिस्क्राइब कर रहा है कि बस किस कलर की है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज देते हैं। सो नाउ हेयर इज नंबर 1 काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें बताती है स्पेशल क्वालिटीज नाउन की, राइट? कि वो किस तरह का है। दे टेल अस अबाउट द कलर, शेप, साइज ऑफ अ नाउन। जैसे कि द रेनबो हैज 7 ब्यूटिफुल कलर्स, ही हैज अ वाइट कार। ओके, सो यहाँ पर हमें कार के बारे में पता चल गया कि वो किस कलर की है, वाइट। हमें रेनबो के बारे में पता चल गया कि उसमें होते हैं ब्यूटिफुल कलर्स, राइट? सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा नाउन की स्पेशल क्वालिटीज के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस अबाउट हाउ मच थिंग्स देयर आर, कि कितनी चीज़ें हैं वहाँ पर, थोड़ी हैं, बहुत हैं, राइट? जैसे सम, मैनी, मच। पुट सम शुगर इन द बोल, तो बोल में थोड़ी सी शुगर डाल दो। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा पानी है। तो ये हमें बताते हैं क्वांटिटी के बारे में कि बहुत सारा है या कम है या कुछ है या थोड़ा है, राइट? अब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन्हें हम गिन सकते हैं। ओके, जैसे कि ये हमें नंबर के बारे में ही बताते हैं, हाउ मैनी आर देयर, कितने नंबर यहाँ हैं। जैसे इंडिया हैज 28 स्टेट्स, सो कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 28। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर नंबर्स के बारे में। द टू सिस्टर्स वेंट टू अ मार्केट, दो सिस्टर्स कहाँ गई? मार्केट गई। टू सिस्टर्स वेंट टू अ मार्केट। ओके, सो वी गो अहेड नाउ, दिस इज द एक्सरसाइज। हमें यहाँ पर गिवन एडजेक्टिव्स में से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, राइट? सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन एडजेक्टिव्स। द डैश वेदर इज मेकिंग मी शिवर, द डैश वेदर कैसा वेदर बना रहा है मुझे, शिवरिंग कैसे हो रही है, मैं कांप कैसे रहा हूँ, कोल्ड वेदर, राइट? तो यहाँ पर आप लिखोगे कोल्ड वेदर इज मेकिंग मी शिवर। द डैश मैन वॉक्स विद द हेल्प ऑफ हिज वॉकिंग स्टिक, कैसा मैन? ओल्ड मैन। तो ये क्या है, इनकी क्वालिटी है कोल्ड वेदर, ओल्ड मैन। वॉट अ डैश फिल्म इट वॉज, वॉट अ फनी फिल्म इट वॉज, वॉट अ फनी फिल्म इट वॉज। द बॉय हैज ब्राउन हेयर,
The boy has brown hair. The dog is a faithful animal, right? Faithful animal. The Indian Ocean is, कैसा है Indian Ocean? Huge, बड़ा. तो यहाँ पर हम लिख देंगे huge. So अब हमने यहाँ पर ये सारे क्या लिखे? ये हमने लिखे adjectives of quality. Because आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे quality बता रहे हैं, right? Weather cold है, man old, film funny, हेयर कैसे हैं ब्राउन, एनिमल कैसा होता है डॉग फेथफुल, और इंडियन ओशियन क्या है ह्यूज, राइट? चलिए आगे चलते हैं. सो दिस इज बी एक्सरसाइज. मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स विद एप्रोप्रिएट नाउन्स. सो एडजेक्टिव को उसके एप्रोप्रिएट नाउन्स के साथ हमें मैच करना है, ओके? सो लेजी, लेजी क्या होगा बच्चों? लेजी कैट, ओके? सो हम इसको मैच कर देंगे. फनी, फनी क्लाउन, राइट? फनी क्लाउन. टाइनी विल बी आंट, ओके? चीटी होती है छोटी सी, टाइनी आंट. ब्लू स्काई, राइट? सो ब्लू स्काई. डिलीशियस केक, राइट? सो दिस इज नंबर 5. थिक, थिक क्या होगी? मोटी बुक, बुक होती है ना मोटी मोटी, थिक बुक. एंड पिंक ड्रेस, ओके? तो जब आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नाउन के लिए क्या एडजेक्टिव यूज हो सकता है, ओके? नाउ यहाँ पर है इंटरप्रिटेशन बॉक्स. मच जो होता है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि सम शुगर, लिटिल वाटर, राइट? वाटर को आप गिन नहीं सकते, शुगर को आप गिन नहीं सकते. और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए. देयर आर मैनी गर्ल्स इन द क्लास. अब क्लास में आप गर्ल्स को तो गिन सकते हो ना. सो मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, और मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. सो बच्चों ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ओके? मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, ओके? सो दिस इज योर प्रोवोकेशन एक्सरसाइज नंबर सी. अब हमें इसमें क्या करना है? सर्कल ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस सेंटेंसेस में हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें सर्कल करना है. प्लीज गिव मी सम राइस इन अ स्मॉल बोल. अब बोल की क्वालिटी है कि वो स्मॉल है, और राइस सम कुछ राइस है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज हेयर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज हेयर. प्लीज गिव मी फ्यू कॉइन्स. अब फ्यू क्या है? कॉइन्स को हम गिन सकते हैं. फ्यू कॉइन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट? मोबाइल फोन्स आर useful. Useful is quality, adjective of quality. There are many children in the park. Many is adjective of number, okay? The field is full of beautiful butterflies. सुंदर butterflies से field भरा हुआ है. So butterflies की qualities क्या है? कि ये beautiful है. The black cat, black is the adjective of cat, adjective of quality, ate some bread, adjective of quantity, and many biscuits, adjective of number, right? So, इस तरह से ये exercise complete होती है. हमने यहाँ पर सभी adjectives को circle किया है, और मैंने आपको इनके kinds भी बताए हैं, right? So, आपको भी practice करनी है बच्चों इन सब की. चलिए आगे चलते हैं. Now, सो सिनोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? सिनोनिम्स होते हैं वो वर्ड्स दैट हैव द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, जिनका बिल्कुल सेम या ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है, वो होते हैं सिनोनिम्स, ओके? हिंदी में आप कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, या करने वाले होंगे. इन्हें हिंदी में हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ओके? सो सिनोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं? That have the same or almost the same meaning, जो बिल्कुल same meaning के होते हैं या almost same होते हैं. जैसे यहाँ पर जो words लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के synonyms हैं. जैसे large का मतलब भी है बड़ा, और big का मतलब भी है बड़ा. तो large और big क्या है? Synonyms हैं एक दूसरे के.
स्मॉल छोटा, टाइनी भी छोटा. आस्क कॉल, आस्क मतलब भी बुलाना और कॉल मतलब भी बुलाना. राइट मतलब इसका भी मतलब है ठीक, करेक्ट ठीक. सिंपल ईजी, टेस्टी डिलीशियस मतलब जो चीज़ स्वाद हो, जो चीज़ खाने में अच्छी लगे उसे हम टेस्टी भी कह सकते हैं और डिलीशियस भी कह सकते हैं. लव एडोर, इन दोनों का मतलब भी है प्यार. लिव स्टे, इन दोनों का मतलब क्या है रहना. सो इन ये जो दो दो के पेयर्स बने हुए यहाँ पर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनका मीनिंग सेम है या ऑलमोस्ट सेम है. तो ये क्या है, ये है एक दूसरे के सिनोनिम्स. राइट, फाइंड अ सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड एंड राइट इट नेक्स्ट टू द वर्ड. सो अब हमें इस ग्रिड में से ढूंढना है सिनोनिम्स. सो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत फनी एक्सरसाइज है. टाइनी, टाइनी मतलब छोटा. तो अब आपको ढूंढना है कि क्या आपको यहाँ पर कहीं पर स्मॉल दिख रहा है. टाइनी स्मॉल, ओके. सो अब हमें ग्रिड में ढूंढना है कि हमें स्मॉल मिल जाए कहीं पर. ओके चलिए ढूंढते हैं. यस वी फाउंड इट स्मॉल. ओके और अब हम इसे यहां पर लिख देंगे स्मॉल. ओके सो नॉइजी, नॉइजी का हमें ढूंढना है लाउड. नॉइजी लाउड. लार्ज, अब लार्ज क्या होता है, लार्ज होता है बिग. राइट सो अब हमें ढूंढना है बिग. बिग कहाँ लिखा है, बिग. वी फाउंड इट बिग. राइट सो इस तरह से आप ढूंढेंगे तो आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. राइट चलिए सो क्लेवर, क्लेवर हम ढूंढते हैं. ओके अब मुझे यहाँ पर एक वर्ड मिला है बच्चों फास्ट. सो क्विक का मतलब होता है फास्ट. ओके सो मैंने इसको ढूंढ लिया पहले. चलिए क्वाइट, क्वाइट किसका होता है, साइलेंट का. सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्वाइट. ओके चलिए आगे चलते हैं. जो जो भी मिलते जाएंगे मैं उसको यहाँ पर लिखती जाऊंगी. ओके विंड, विंड मतलब एयर, एयर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर विंड. राइट ठीक है ना. ओके चलिए आगे चलते हैं, ढूंढते हैं. इस तरह से हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. ओके सो दिस इज, आपको इसी तरह से यहाँ पर वर्ड मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ेगा. ढूंढने से आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. दिस इज हैप्पी, हैप्पी हम लिखेंगे ग्लैड की जगह पर हैप्पी. राइट सो इस तरह से हम इन वर्ड्स को ढूंढ लेंगे. हार्ड, दिस इज हार्ड. सो हार्ड होता है डिफिकल्ट. ओके सो दिस इज हार्ड. ओके इसी तरह से हमें ढूंढना है अब एक ईजी, ईजी बिकॉज यहाँ पर है सिंपल भी हमारे पास है. स्मार्ट, स्मार्ट हम लिखेंगे क्लेवर की जगह स्मार्ट. ओके चलिए डल, सो ब्लंट की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे डल. राइट बच्चों सो इस तरह से आप इसमें वर्ड्स ढूंढ सकते हो बहुत इजीली. मैंने आपको यहाँ पर कितने सारे वर्ड्स ढूंढ के दिखाए. अब आपको ये जो बचे हुए हैं वर्ड ड्राउजी, ओके मैड, चिली, सिंपल, एफ्रेड, इल, स्पूकी, इन वर्ड्स के आपको यहाँ पर ढूंढने हैं. राइट सो इस तरह से आपको ये इजीली मिल जाएंगे और आप इनको लिख सकते हो. ओके सो हम आगे चलते हैं. तो ये बच्चों हैं सब इनके सिनोनिम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.